चेक इन भी हो गया और सिक्योरिटी भी हो गया, फ्लाइट में तो अभी काफ़ी टाइम है। आइए दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं दुबई की जर्नी पर। ये दुबई का व्लॉग मैंने पहले भी बनाया है, आपने शायद देखा हो, अगर नहीं देखा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पुरानी वीडियोज़ में देखें। इस बार थोड़ा वर्क रिलेटेड भी था और फैमिली के साथ भी था, फ्रेंड्स भी थे। दिल्ली एयरपोर्ट आपको मालूम ही है काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, मॉल की तरह है, सारे ब्रांड्स मिलते हैं, थोड़े से ओवरप्राइस ज़रूर हैं। देखने में दुबई मॉल लग रहा है लेकिन ये सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट है इंटरनेशनल। और ये देखिए डांस की वीडियो, इसमें नवरासाज की वीडियोज़ हैं शायद, यू कैन सी हियर। बाद में जाके डब करता हूँ लेकिन आज मैंने कहा ऐसे ही देखते हैं ऑडियो कैसी आती है और रिकॉर्डिंग कैसी आती है क्वालिटी की। तो मैं अब दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ, हमारी जर्नी शुरू हो रही है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा प्लेन की बोर्डिंग के टाइम पे दिखाऊंगा और फिर जब हम दुबई में लैंड करेंगे और फिर मैकडोनल्ड्स की लाइन में अब लगना है पर फ्राइड नहीं खाना। सो मैं अपनी इतनी हैवी जैकेट पहन के आया था लेकिन यहाँ पर इतनी गर्मी है एयरपोर्ट पर, दिल्ली में बाहर बहुत ठंड है लेकिन अंदर आते ही ऐसे पसीने निकले हैं कि सब जैकेट्स उतर गई हैं। एक तो एक्सरसाइज इतनी हो जाती है, पहले इमिग्रेशन की लाइन में लगो, फिर सिक्योरिटी की, सब कुछ उतारो, फिर सब कुछ चेक कराओ, फिर सब कुछ पहनो। जैसे मम्मी को भी यहाँ पे पर्स में चीज़ें ढूंढने को मिल नहीं रही थी। जब आप सिक्योरिटी से बाहर निकलते हो तो सबका यही हाल होता है, कोई अपना बैग देख रहा होता है, किसी की ट्राउजर्स की बेल्ट लूज़ होती है, किसी की जैकेट ख़राब हो गई होती है, किसी की घड़ी नहीं मिल रही होती। खैर गुम तो नहीं होती लेकिन अब मुझे नहीं पता मेरी ऑडियो कैसी आ रही है क्योंकि मैंने वायरलेस नहीं लगाया हुआ। हमें गेट नंबर 1 पे ही जाना है और ये रहा गेट नंबर 1, यहीं पे बैठना है। और ये हमारा प्लेन है आज का जिसमें हमने दुबई जाना है। अभी ये फ़्लाइट लैंड हुई है सो अभी तो आई है, दोबारा रेडी होगी और फिर हम इसमें जाएंगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्लाइंग इन दिस प्लेन टू दुबई। फ्रेंड्स भी साथ ट्रैवल कर रहे थे, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करने में मज़ा आता है। Emirates is a very wonderful airline, बड़ा मज़ा आता है इनके, इनकी सर्विसेज बड़ी अच्छी हैं, इनके प्लेन्स तो अच्छे हैं ही हैं, काफ़ी फ्रेंडली स्टाफ भी है। जिस दिन हम दिल्ली से गए थे उस दिन बहुत धुंध थी, विंटर्स का ही टाइम था, 2 जनवरी थी। हमने न्यू ईयर्स के बाद की डेट्स बुक करी थी, थोड़ा सा फ्लाई करने के बाद ही इतनी धुंध हो गई थी कि विंग भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद फिर क्लियर हो गया था जब ये बादलों को पार कर गया था। एक्सक्विजिट व्यू होता है ऊपर से, नीचे ऐसे लग रहा है जैसे रुई लगी हुई है पूरी। फिर दुबई एयरपोर्ट पहुँचे, एमिरेट्स का A380, वहाँ पर आपको मालूम ही है कितने होते हैं। फिर आपको एक ए टर्मिनल से बी में जाना होता है विद द मेट्रो। हमने गाड़ी 7-सीटर करी थी तो वो GMC का ट्रक आया था। हम रामी ड्रीम होटल में रुके थे फर्स्ट 3 डेज़ के लिए, बहुत सुंदर होटल है, बड़ी ही प्राइम लोकेशन है, आप आगे देखेंगे। मैंने कुछ वीडियोस ढूंढी थी इसकी लेकिन मुझे कुछ बहुत क्लीन, बहुत क्लियर वीडियोस मिली नहीं जिसमें मुझे पता लगा कि इसकी लोकेशन क्या है। तो फिर मैंने सोचा एक वीडियो अपने आप से भी ऐसी बनाऊँगा जिसमें एग्जैक्ट लोकेशन दिखाऊँगा इसकी जहाँ पर है। रोड के बिल्कुल मेन रोड के सामने है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप फ्रंट फेसिंग रूम्स लेते हैं तो आपको बुर्ज खलीफा का क्लियर व्यू मिलता है, जो कि मुझे लगता नहीं ज़्यादा देर रहेगा क्योंकि बीच में एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है और जब वो बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा बढ़ गई तो कुछ रूम से वो भी ब्लॉक हो जाएगा। एंट्रेंस पे सारी जगह ही क्रिसमस ट्री लगा था बिकॉज अभी क्रिसमस टाइम ही चल रहा था न्यू ईयर्स का। ये बाय द वे ये वीडियो उस दिन की नहीं है जिस दिन हमने चेक इन किया है, ये मैंने नेक्स्ट डे बनाई थी क्योंकि उस दिन हम बहुत थक गए थे और लेट पहुंचे थे तो उस दिन एंट्री भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये वाली वीडियो उसी दिन की है जो मैंने मोबाइल से बनाई थी। हमारा 1309 रूम था फर्स्ट डे के लिए, आप इसका व्यू देख सकते हैं, बहुत बड़ा टब लगा हुआ है इसके बाथरूम में, बहुत एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के बाथरूम्स हैं, फिर नहाने की भी अलग जगह है। हालांकि मुझे ये जो बेडरूम और बाथरूम के बीच में पर्दे का एक सिस्टम लगा होता है ये शीशे वाला, ये बहुत पसंद नहीं है, थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा लगता है यूजुअल जैसे रूम्स में होता है। ये एक इंटरकनेक्टिविटी वाले रूम्स भी हैं लेकिन ये वो कह रहे थे कि उनको परमिशन नहीं है खोलने की। TV भी बहुत बड़ा लगा हुआ है, 65 इंचज़ के आसपास था। हमने ट्विन बेड लिया था तो
चाहिए। थोड़ा क्वीन साइज से शायद छोटा होता है बेड, बट इट्स ईजी फॉर थ्री पीपल। मेरे को ये टेबल और कुर्सी ज़रूर चाहिए होती है एडिटिंग और कंप्यूटर अपना सामान रखने के लिए। हमारे रूम के फर्स्ट डे वाले दिन जो रूम हमें मिला था उसमें बालकनी थी और सामने से कैनाल व्यू था, जो कि लिखा तो बड़ा अच्छा हुआ था, कुछ फ़ोटोज़ भी अच्छी डली थी, लेकिन वो व्यू ऐसा था कि दो बिल्डिंग्स के बीच में से छोटी सी कैनाल नज़र आती थी और सामने कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी या कुछ था। बालकनी एरिया अच्छा था बट हमने यूज़ नहीं किया, हमें ज़्यादा यूज़फुल नहीं हुआ वो। रूम्स अच्छे थे, रूम वर वेरी स्पेशियस। और हमारे भाई साहब जो दुबई में ही रहते हैं, आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, ये हमारा सेकंड रूम था, ये भी कैनाल व्यू ही था, इसमें भी आगे बालकनी थी बट उसमें भी कोई खास व्यू नहीं था क्योंकि बीच में बिल्डिंग्स थी जैसे आप देख सकते हैं। ये थोड़ा हिसाब किताब होता रहता है। फैमिली के साथ बहुत मज़ा आता है, हंसना खेलना लगा ही रहता है, जोक्स वगैरह। फिर शाम का टाइम था, हमने थोड़ा चलो सोचा बाहर होके आते हैं, कुछ इंडियन प्रॉपर खाने का दिल था। अब जैसे आप देख सकते हैं होटल से हम जैसे बाहर आए, सामने बुर्ज खलीफा है और उस पे इस टाइम फाउंटेन शो चल रहा था, तो मस्ट बी अराउंड 6 o'clock। मैं थोड़ी देर के बाद आपको वो वाली वीडियो दिखाऊंगा जिसमें फाउंटेन भी नज़र आता है उस रूम से जिसमें मैं हमें चेंज मिला था नेक्स्ट डे। शाम के टाइम ट्रैफिक बहुत होता है, सारा ऑर्गेनाइज ट्रैफिक है, बड़ी लेन्स में चलते हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी ऑर्गेनाइज, लेकिन बहुत लंबा लंबा वेट होता है रेड लाइट पे। अराउंड 6-7 minutes तो आराम से ही लगते थे हर लाइट। एक गाड़ी रेंट पे भी ली थी हमने जो मेरी नीस चला रही थी, क्योंकि मेरा लाइसेंस इंटरनेशनल नहीं है और दुबई में वो वैलिड नहीं था और लेफ्ट हैंड ड्राइव मेरे से वैसे भी नहीं चलती। ये अच्छा लिखा था जहाँ पे हमने डिनर किया, मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं जिनमें गोलगप्पे मोमोज और कबाब हैं। उस रेस्टोरेंट का नाम भी ख्वाब ही था। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है, ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ क्या क्या है वहाँ पे खाने में। तो रेस्टोरेंट जो है वो सेकंड फ्लोर पे है। जेम्स बॉन्ड काफी सुंदर होटल है, जब आप उसके ब्रेकफास्ट एरिया में भी जाते हैं आप व्यू देखिएगा, रेस्टोरेंट से ही आपको मिलता है बुर्ज खलीफा का। उसका नाम है टना टन। खाना अच्छा था, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी बट समहाउ मेरे मतलब का नहीं था। रेस्टोरेंट के बाहर एक छोटा सा झूला लगा है जिसमें आप बैठ के फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, पीछे बुर्ज खलीफा का व्यू है, ये बालकनी है उसके बाहर ही। इनफैक्ट जो इस साइड की टेबल्स हैं वो भी बिल्कुल शीशे के आगे लगी हैं और आप वहीं पर बैठ के खाना खाते हैं। बहुत, मैंने जैसे बताया, बहुत प्राइम लोकेशन पर ये होटल है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में खाने की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि लोग और भी खा रहे थे, तो आई डेंट वॉन्ट देम टू बी अनकम्फर्टेबल। लेकिन मैंने ये नोटिस किया था फर्स्ट डे हमें जो चॉइस मिली थी दैट वाज मच बेटर देन द अदर 3 days, क्योंकि बाकी 3 दिन तो हमें वहाँ पे बीफ ही मिला जो हम खाते नहीं हैं, और चिकन सिर्फ फर्स्ट डे मिला था, बाकी डोसा और सांभर एंड एवरीथिंग वॉज डेली। वैरायटी तो बहुत थी, अगर आप फ्रूट्स खाना चाहते हैं, अगर आप ऑमलेट खाना चाहते हैं, अगर आप ऐसी चीज़ें हेल्दी फूड अगर आप खाना चाहते हैं, तो सब कुछ बहुत था। टनाटन यहाँ पे बैठ के हमने फोटोज भी खिंचवाई थोड़ी। फिर टाइम था निकलने का बाहर। फर्स्ट डे जब मैंने टैक्सी हायर करी थी उबर पे, तो वो GMC का ट्रक आया था क्योंकि हम 7 लोग थे, बट वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि पीछे बैठना पड़ता है। और बुर्ज खलीफा एक ऐसी बिल्डिंग है कि आप किसी भी जगह में हों दुबई पे आपको नज़र आता ही रहता है। ग्रैंड हाईवेज, टॉल बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत नॉर्मल है। ये म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर है, यहाँ की भी वीडियो आप इसी एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे मैंने इंडिया से ही टिकट्स बुक कराई थी, क्योंकि ये मोस्टली सोल्ड आउट ही हो जाता है जब भी हम, पिछली बार मैं 2 बार ही आया, दोनों बार सोल्ड आउट मिला था मुझे, इसलिए मैंने इंडिया से ही 3 टिकट्स बुक करा ली थी इसकी इस बार। ये दुबई फ्रेम है, यहाँ हम गए नहीं क्योंकि पिछली बार और उससे पिछली बार भी गए थे। बैटरी अपनी डाउन है, चार्जर में लभ रहा सी, कोई लत्तां दा चार्जर मिल जाए तो मेरी लत्तां लुत्तां चार्ज कर दे तो मैं अगे तुर पवां, इस तो अगे लत्तां जाण नूं तैयार नहीं। बहुत थक जाते हैं वहाँ पे चलते चलते ना। मीना बाज़ार है ये जहाँ पे मैं थोड़ा, मेरी सिस्टर को काम था कपड़ों का,
वहाँ पे फिर मेरी टेस्ला राइड भी हुई पहली बार, पिछली बार भी मैंने मिस कर दी थी, तो इस बार मैंने ग्रीन, जब आप कैब मंगवाते हैं तो टेस्ला आती है, मैं देखना चाहता था उसका क्या एक्सपीरियंस है। पावर तो है गाड़ी में बहुत, अंदर बैठ के बहुत सिंपल ही लगती है। हमारे ड्राइवर ने हमें बोला कि जी इस रोड को क्रॉस करने दीजिए, फिर आप देखिएगा बड़ा अच्छा व्यू। ये भी म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, एक्सक्विजिटली मेड बिल्डिंग है, लेकिन इसकी थोड़ी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर के बाद जब आप इसको देखेंगे। एक फैंटेसी लैंड सा लगता है जब आप दुबई में होते हैं, क्योंकि सब कुछ समहाउ मैन मेड ही है। ये हमारे रूम से व्यू था, ये मैंने एक बाद की वीडियो पहले डाली है थोड़ी सी। और हमने होटल से रिक्वेस्ट करी थी कि हमारा कुछ व्यू मज़ेदार नहीं है, तो उन्होंने हमें रूम अपग्रेड दिया और अब हमारे रूम का व्यू ये है। सामने से रूम की खिड़की से बुर्ज खलीफा का व्यू है, और ये हमारे नीचे होटल के नीचे बिल्कुल मेन रोड है। इस होटल की लोकेशन बड़ी आइडियल है बुर्ज खलीफा के व्यू के लिए। कल रात को मैंने जब बाहर से देखा था तो इसके ऊपर जो, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, LEDs जल रही थी, तो वो हमें अपने रूम में से ही बैठ के आराम से नजर आएंगी। फिर सुबह हमने दूसरी कैब बुक करी, बट आई मेड श्योर कि मैं वो GMC वाली ना लूँ 7-सीटर, ताकि वो पीछे किसी को ना बैठना पड़े। और अगर आप दुबई जाते हैं और दुबई मॉल नहीं जाते, तो लगता है वो एक जर्नी पूरी नहीं हुई। इवन दो आपको कुछ नहीं लेना होता, फैशन स्ट्रीट पे अगर वो आपको ड्रॉप करते हैं तो आप काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड्स वाली साइट से एंटर करते हैं। मैं तो कभी भी शॉपिंग के लिए मॉल्स नहीं जाता जब तक मुझे कुछ लेना ना हो। पिछली बार मैंने यहाँ से शूज़ लिए थे, इस बार तो सबने जाना था और मदर को घुमाना था। ये गोल्डन शू है, काफ़ी सजा हुआ था अभी भी मॉल, क्योंकि न्यू ईयर्स अभी हुआ था, सो फेस्टिवल टाइम है, डिस्काउंट्स भी बहुत सारे थे। बॉलमेन में सारा साल ही लगता है सेल लगी रहती है, 70-75% तक। जब भी मैं वहाँ गया हूँ सेल मिली है। और ये दुबई मॉल के बीच में एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की जगहें हैं, और ये पोता अपनी दादी को दुबई मॉल घुमा रहा है व्हील चेयर पे। ये पिछली बार नहीं था, इस बार मैंने देखा। ये ऑडियो मैंने म्यूट किया हुआ है क्योंकि मैं कुछ फजूल की बातें कर रहा था। डायनासोर का फॉसिल है उसमें, और वो कहते हैं ये असली है, काफ़ी बड़ा है। पिछली बार ये द सूक में था, इस बार उसको बाहर डिस्प्ले किया हुआ है। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली प्रॉबेबली फोटोग्राफ्ड और वीडियोड लोकेशन है दुबई मॉल की, जिससे ये बिल्कुल एकदम पता लग जाता है ये दुबई मॉल है। पिछली बार भी मैंने अपने ब्लॉग में बताया था, सिल्वर सर्फर से इंस्पायर्ड लगता है शायद। क्रिसमस की डेकोरेशंस अभी भी थी, फैमिलीज में गए थे हम चीज़ें देखने के लिए। बच्चों के इंटरेस्ट की इतनी चीज़ें होती हैं और इतनी डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। फिर हैरी पॉटर की जगह भी थी वॉन्ड्स देखने के लिए। फिर थक के जब खाना खाने बैठे और ऊपर से दुबई आइस रिंक का व्यू। कभी कभी सोचता हूँ कि दुबई में ड्रोन उड़ाने की परमिशन मिले तो क्या मज़ेदार शॉट्स आएंगे, बट आई डोंट नो उसका प्रोसेस क्या है और मिलती है कि नहीं। पार्किंग में एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है, अगर आप कैब करते हैं बड़ी मुश्किल जगह मिलती है जहाँ से आपको कैब पिकअप करेगी। अगर आप टैक्सी कर रहे हैं तो डिफरेंट लोकेशन है, अगर आप उबर कर रहे हैं तो उसकी एक डिफरेंट लोकेशन है। गाड़ी बड़ी कंफर्टेबल है ये मर्सिडीज़ की वी क्लास जो है। देन थक के वापस आना होटल में दोबारा शाम को, और ये रात का व्यू था हमारे रूम से। जब इमार वाली लाइट्स जल रही होती हैं ये वाली बुर्ज खलीफा पे, तो फाउंटेन शो चल रहा होता है, जैसे आप वो नीचे देख सकते हैं।
ट्रैफिक बहुत होता है, ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ है, लेकिन बहुत लंबी लंबी रेड लाइट्स हैं। इस शॉट के एंड में आपको वो फाउंटेन्स का एंड शॉट भी नज़र आएगा, तो थोड़ा मैंने जूम इन करके आपके लिए दिया है। ये वाला वो लास्ट शॉट है, जब लास्ट 3 मिनट्स की वीडियो ख़त्म होती है म्यूज़िक, तो ये बहुत कॉमन व्यू है वहाँ पे। गाड़ियाँ लोगों की अपनी भी होती हैं, फरारीज, लैम्बोर्गिनीज, या रेंट भी कर लेते हैं। फिर हमारा टाइम था, ये म्यूज़ियम फ्यूचर की हमारी डेट थी। पहली बार मैंने अंदर से देखी, बहुत ही वाकई में मैंने जो उसके रिव्यूज़ देखे थे, बिल्डिंग की तो तारीफ करना जितना भी आप करें कम ही है, इतनी सुंदर बनी हुई है। जो इसके अंदर की जगहें हैं जहाँ पे ये सारे इसके शोज़ हैं, या जो भी इसकी जैसे कहते हैं कंटेंट है, वो कुछ को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, कुछ को थोड़ा बोरिंग लगेगा, कुछ को लगेगा कि पैसे वसूल नहीं हुए। क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ देखे हैं गूगल वगैरह पे, तो लोगों ने यही कहा कि बिल्डिंग बहुत सुंदर है। इस चेंबर के अंदर जाने से पहले वो आपको बताते हैं कि अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं तो इसके अंदर ना जाएं। लेकिन ये इतना भी कोई टाइट जगह नहीं थी, ये एक आपको स्पेसशिप का फील देता है कि आप इसमें टेक ऑफ करके स्पेस पे जा रहे हैं, और ऊपर एक स्पेस स्टेशन है जिससे आप डॉक करता है आपका शिप, और आप उसमें निकलते हैं, और फिर उसके बाद अंदर यहाँ जाते हैं जहाँ पर ये आपको पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं। ये बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी को दिखाता है, और जो इनकी फ्यूचर विजन है दुबई की, कुछ चीज़ें इंटरेस्ट की हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या देखा जाए इनमें। कुछ चीज़ें मैं यहाँ से देख के गया था जो मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा था, तो वो आगे आएंगी। ये अच्छा है, आपको स्पेस सूट के अंदर आपकी फ़ोटो आती है। अमेज़ॉन का कुछ रिक्रिएट किया हुआ है इन्होंने, इसके बारे में इन्होंने बताया था पूरा। ये बहुत सुंदर जगह है, इसमें डीएनए सैंपल्स हैं ओवर 2000 स्पीशीज के। ज़्यादा डिटेल में मैंने इसको नहीं देखा, लेकिन जो भी इनका डिस्प्ले था, दैट वाज एक्सक्विजिट। लाइट्स का प्ले बहुत है वहां पे। इस सबको देख के लगता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत चल रही है वहां पे। LEDs जब आती हैं, आप फ्लिकर देख सकते हैं वीडियो में होता है। ये मेडिटेशन की जगह है, ये कहते हैं आप इसमें लेट जाएं और आराम से रिलैक्स करें। प्लीज मेक अ विश। ये वो जगह है जो मैंने काफी देखी थी, तो यहाँ मेरा आने का बहुत वेट कर रहा था मैं कब यहाँ पे पहुंचूंगा। इसमें एक रोबोट है जो आपसे बात करता है, करती है। आप माइक्रोफोन पे क्वेश्चंस करें वो उसको आंसर करती हैं। प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं, कुछ स्पेशल तो होता नहीं। मैं उससे पूछना चाहता था कि कैन यू एक्चुअली सी मी, बट वो बहुत रैंडमली इधर उधर देख रही थी। तो इसको वोक्सवैगन भी बोलते हैं और फोक्सवैगन भी बोलते हैं, ये ऑडी है इलेक्ट्रिक। और फिर ये बालकनी एरिया है जो सारे ही जाते हैं वहाँ पे फोटोज खिंचवाने के लिए। एंड ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है इस जर्नी का, इसमें 3 एपिसोड्स बनेंगे क्योंकि मैंने काफ़ी सारा कुछ शूट किया, काफ़ी सारी जगहें देखी जिसमें काफ़ी वीडियोस बने। फ्यूचर हीरोज़ बच्चों के खेलने के लिए जगह है। माय सन इज़ 11, बट इन्होंने कहा अंडर 10 ही वहाँ खेल सकते हैं। दीज आर चॉकलेट्स, ये हमने चॉकलेट्स का डब्बा लिया था। वन थिंग वॉज वेरी एक्साइटिंग उधर, कि हमें वहाँ के जो रूलर हैं हिज आइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, उनको देखने का मौका मिला। वो उसी टाइम पे म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर में आए थे। बड़ा सिंपल एंट्रेंस थी उनकी, ऐसा नहीं कि बाहर निकाल दिया गया हो, सारे रास्ते बंद हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। दे टोल्ड अस आप नॉर्मल रहिए, नो प्रॉब्लम। दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट, अब आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं मिलूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। If you like the video, please do comment. मैं आगे और videos बनाऊंगा और आपके साथ share करूंगा। Thank you so much.